거. आपकी अदालत में आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर से मैं हूँ राज विजय पाल। मैं इस समय ग्वालियर में मौजूद हूँ, संदीप होटल में इस समय हमारे साथ मुलाकात होने जा रही है। हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो आज समूचे हिंदुस्तान को आरक्षण दिलाने के लिए एक क्रांति लेकर के आज पाल बघेल समाज में निकली है। एक ऐसी हस्ती से मुलाकात जिसने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की और एक ऐसी शख्सियत को उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिला करके आरक्षण के सर्टिफिकेट पर मंत्री भी बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसपी सिंह बघेल की। एसपी सिंह बघेल को बनाने में जो मुख्य भूमिका किसकी है, मैं उस शख्सियत से सीधा आपका रूबरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ इसमें जुड़ने जा रहे हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनगर, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी धनगर जी। जेपी धनगर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ग्वालियर में, ग्वालियर की यहाँ की टीम ने आपको बुलाया है, यहाँ की समाज ने आपको बुलाया है, यहाँ की धनगर लोगों ने आपको बुलाया है, यहाँ का यूथ जनरेशन आपको पसंद कर रहा है। आपके चेहरे को देख करके यहाँ के युवा में जोश है। क्या आप समझते हैं मध्य प्रदेश में आकर के आपको कैसा लग रहा है? वास्तव में ये है पाल साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी अशोक पाल जी ने बुलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सम्मान दिया था और मैं गदगद था। आज मैं आने का इच्छुक नहीं था, बहुत पहले गिरीश जी ने समय ले लिया था, लेकिन क्योंकि मैं कल लखनऊ में था और कल रीता बोगरा जोशी से बात की, परसों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से भी मैंने बात की थी, धनगर के मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने जो कार्यक्रम 28 मई को अहिल्याबाई होलकर जयंती हम मनाने जा रहे हैं उसमें भी हमने इनवाइट किया था। तो मुझे पहले भी ग्वालियर बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है यूथ मेरे साथ है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सरपंच साहब हैं, हमारे जतिन चंदेल जी हैं, आप जैसे और अनेक युवा जुड़ा है हमसे और ये चुनाव, आगामी चुनाव जो हो रहे हैं 2018 में चुनाव आ रहा है, इसकी भी आज मैं विस्तार से आज चर्चा, ये जो सम्मेलन हुआ हो रहा है पाल बघेल धनगर का, इस पर चर्चा करूंगा और आरक्षण कैसे मिले, कैसे दिलवाया जाए और क्यों नहीं हम ले पाए, इन बातों पर मैं प्रकाश अच्छी प्रकार से डालूंगा। जेपी धनगर जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सियासत को आपने हिलाने का काम किया, वहां की सरकार को मनवाने का काम किया आरक्षण के नाम पर, आरक्षण मिला भी वहां के लोगों को, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी आरक्षण मिलेगा पाल समाज को? बिल्कुल मिलेगा जी, इसमें तो कोई रोक ही नहीं है। आपको एक चीज और आपको नहीं जानकारी होगी पत्रकार बंधु जी, मैंने बिहार में लागू करा दिया जी। बिहार में ऐसी लगा करा दिया और वहां से काफी बच्चे हो गए। मैं नीतीश कुमार जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्यों ये कार्यक्रम हुआ था और माननीय नीतीश कुमार जी उसमें उद्घाटन करता थे, मैं स्वयं मुख्य अतिथि था, तो मैंने उसमें चर्चा की, उन्होंने आवास पर बुलाया, बहुत बढ़िया बेहतरीन बात हुई। डॉक्टर जेपी बघेल साहब भी थे बम्बई से और हमारे मधु सिंधे जी IPS थे, हमारे पत्रकार बंधु थे जो, तो पांच गोल जी थे, अनेक ऐसे बिहार वालों ने बहुत सम्मान किया और हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे दबाव बनाया और उन्होंने लागू कर दिया बहुत सर्टिफिकेट। जेपी पाल साहब, हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि आप पाल बघेल समाज को ST में कैसे ला सकते हैं, किन तथ्यों के आधार पर आप बात कर रहे हैं? देखिए, तथ्य तो बहुत साफ सुथरे हैं कि जितना हम ऑलरेडी पहले से ही धनगर थे, धनगर से हम गडरिया बने और गडरिया से पाल बघेल बने। आज मैंने जो उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट आर्डर कराया 2 दिसंबर 2016 परिवार रजिस्टर होता है गांव में, और परिवार रजिस्टर में मैंने ये आदेश कराया पंचायत राज निर्देशक उत्तर प्रदेश से कि पाल बघेल गडरिया के स्थान पर धनगर अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। सारे DPRO उत्तर प्रदेश, सारे जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को मैंने ये बहुत अच्छे आदेश कराए और अभी 16 दिसंबर को भी एक मैंने आदेश कराया 2016 को कि जो धनगर का सर्टिफिकेट मांगते और गडरिया कह के नहीं देते उसके खिलाफ अवमानना मानी जाएगी, जिलाधिकारी उत्तरदायी जिलाधिकारी होगा। तो हमारे आदेश तो मेरी समझ में जो उत्तर प्रदेश में होने चाहिए थे वो बहुत करा दिया है। और मैं एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश की बात करें, अबे हमने महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में रिट डाल दी है, उस रिट का जल्दी निर्णय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो नेशनल भाजपा
को हम महाराष्ट्र में भी कर देंगे। मध्य प्रदेश की सियासत इस बात को मानने के लिए तैयार है कि आप धनगर जो है वो एसटी में आना चाहिए? बिल्कुल मान रही है। मेरी मेरी राधेलाल जी पूर्व विधायक जी थे और हमारी दिल्ली में वार्ता हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अभी मेरी वार्ता गाजीपुर में भी हुई थी, चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि आप भोपाल आइए और हम मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा 28 तारीख का कार्यक्रम है यूपी में, आप देख रहे हो हंगामा मचा है, लेकिन किस्मत यह है कि जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे अब तक, जो विभिन्न राजनीतिक पक्ष, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो एंड अदर पार्टियां हो, लेकिन वो नेता समाज का विकास नहीं चाहते, केवल वो अपना और अपने परिवार का विकास चाहते हैं। इसलिए समाज अब समझ रहा है कि कौन नेता। हमने उत्तर प्रदेश से एक मंत्री बनवाया, इससे पहले मैंने चेयरमैन निर्दलीय चेयरमैन एतमादपुर से बीना धनगर को बनवाया, ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर को मैंने आगरा से फतेहाबाद से ब्लॉक प्रमुख बनवाया, और आज मंत्री आप कैबिनेट मंत्री आपके बीच में। राकेश पाल जी ने भी धनगर सर्टिफिकेट बना लिया है, क्या माना जाए कि आप उनको लोकसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई कोई नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, अगर ये पार्टियां नहीं करती हैं तो नई पार्टी बनाएंगे, जन आंदोलन करेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे और इन पार्टियों को बताएंगे कि हमारा समाज में संगठन कितना मजबूत है और ये हमें, ये हमारा समाज इतना है कि हम तुम्हें हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं, इसमें कोई नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, बसपा को हमने अभियान चलाया था कि बसपा को हारना चाहिए, फिर हमने सपा को हराया, हमारी मजबूरियां रही कि हमने भाजपा को जिताया और भाजपा मान रही है कि आज हम इन पाल बघेल धनगर गडरियों की वजह से ही जीते, और आज भी लाइक भी कर रही है, मैं जहां जाता हूं सम्मान मिल रहा है मंत्रियों में, अगर ये नहीं करेंगे तो आगे की रणनीति बना डालेंगे। सरकार ने यदि मध्य प्रदेश की पाल बघेल समाज को धनगर एसटी में नहीं जोड़ा तो आपका अगला कदम क्या हुआ? देखिए आदमी परिस्थितियों का दास होता है, समय अनुसार आदमी चलता है। आज मुख्यमंत्री जी ने 5 जो एक एसटी के लिए जो स्पेशल करने के लिए 1.5 लाख का एक अलग स्पेशल किया है, उसमें राधेलाल जी पूर्व विधायक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर ये नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि जी हमारे विरोध में जाएंगे, सत्ता में आना है तो हमारी बात माननी होगी, नहीं मानेंगे तो आप लोगों से विचार विमर्श करने के बाद नई रणनीति बनाएंगे। हिंदुस्तान की पाल बघेल समाज धनगर गडरिया समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो यही है कि भाई देखिए हम जो अच्छा काम करें उसका साथ देना चाहिए, आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपको विकास की बात पूरे देश में करूंगा, और आज पूरा देश नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी समझ गए, अमित शाह जी भी जानते हैं, ओम माथुर जी भी जानते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे वर्ग, इनकी संख्या बहुत अच्छी है, अब तक उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या 2 या 3 या 4% बताते थे, अब यही चिल्लाना शुरू कर दिया कि इनकी संख्या 8 और 8.5% है, तो ऐसा नहीं है, आज समाज हमारा उत्तर प्रदेश का जग गया है और ये पूरे प्रदेश नहीं देश में चल रहा है, महाराष्ट्र में आज मुझे बहुत लोग लाइक करते हैं, मध्य प्रदेश में भी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत जो लोग लाइक कर रहे हैं, और मैं जून का दौरा मेरा महाराष्ट्र में तय कर दिया है। धन्यवाद। तो ये थे जेपी धनगर जी, इनका साफ कहना है कि यदि हमारे पाल बघेल समाज धनगर को एसटी का लाभ नहीं मिला तो वो अपनी पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेपी धनगर का मुहिम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरुआत हो चुका है और इनका मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ की सियासत भी इस बात को मानने के लिए अब तैयार कहीं ना कहीं हो रही है कि पाल बघेल समाज धनगर ही है और इसको एसटी का लाभ मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आगामी विधानसभा चुनाव तक जहां तक उम्मीद है हो जाएगा। जेपी पाल साहब, आज के यूथ मध्य प्रदेश को यूथ जो आपको ज्यादा पसंद कर रही है, आपको अन्ना की तरह पसंद कर रही है सूत्रों से ऐसा सुना है, यहाँ की यूथ जनरेशन के लिए आप अगले सत्रों में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो यूथ को मैं तैयार कर रहा हूँ, संगठन को हमारे जतिन चंदेल जी है, हमारे हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी हैं, बंटी जी हैं, सरपंच साहब हैं, तो इन और हमारे गिरीश जी हैं, ये बहुत एक्टिव व्यक्ति है, आर्मी से रिटायर हुए और केवल इस मुद्दे को लेकर रिटायर हुए कि हम इसको बहुत आगे ले जाना है। हमारे राधेलाल जी, लाखन सिंह जी भी, सारे नेता हैं हमारे, समुदयाल जी भी हैं, आज वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बहुत से लोग नेताओं को दिक्कत हो रही थी एक्सेप्ट करने में कि हम कैसे नेता जेपी धनगर को माने, तो अभी 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सारे हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री दो बार श्रीराम पाल जी थे, राधेलाल जी थे, हमारे राकेश पाल जी थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, हमारे दयाराम पाल जी थे, अनेक नेता करते, उन्होंने कहा कि हमने अब एक छत्र जेपी धनगर को नेता माना, जब इन्होंने माना और यूथ मुझे मान रहा है
तो एक बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने 2018 में हम लाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा परिणाम 2018 में ये धनगर समाज लाने वाली है। यहाँ पे जेपी डॉक्टर जेपी जी ने बता दिया है, धनगर जी ने, और आपकी अदालत के सभी दर्शकों को, हिंदुस्तान की आवाम को और पाल बघेल समाज धनगर गलरिया समाज को सीधा सीधा संदेश है कि अब पाल बघेल समाज धनगर गलरिया समाज जाग चुका है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपना आरक्षण लेने के लिए समूचे हिंदुस्तान में क्रांति अब आ चुकी है। नमस्कार आपके दल से, मैं हूं गलरिया।